Hey, good morning guys, this is Auto. Welcome you all back to my channel Travel Hype. Hope you all are doing good. Papa, Arthur, smile. तो हाँ, एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं अपने एक दोस्त के गांव में. तो वहाँ पे उसका बेटे का मुंडन है, तो इसलिए पूरा हमारे ऑफिस कॉलीग का टीम पूरा आज हम लोग जा रहे हैं चित्रदुर्गा के साइड में. पोपो तीतन भी तो घूम के आया है चित्रदुर्गा ना. हाँ, आप भी तो गए थे एक बार, आप उस टाइम पे और छोटे थे. तो अभी मैं निकल रहा हूँ इधर से, गुरुगंटा पलिया में सब लोग मिलेंगे. गुरुगंटा पलिया मेट्रो स्टेशन पे सब लोग आ रहेंगे. आज से हम लोग ऑलमोस्ट 8 to 9 पीपल हम लोग जा रहे हैं. तो अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock. अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इधर से. हाँ पोपो, हाँ हाँ अभी जा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. तो हाँ, देखते हैं आज रात तो हम लोग वहीं पे रुकेंगे. कल सुबह उसका मुंडन है, फंक्शन है, उसके बाद वहाँ से हम लोग दोपहर का लंच वंच करके उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करेंगे. पता था एकदम डिस्टर्ब नहीं करते अम्मा को. हाँ एकदम नहीं करते. ओ ठीक है, चलिए अभी चलते हैं. लेट हो रहा है, वो लोग वहाँ पे आके खड़े रहेंगे तो मुझे गाली पड़ेगा. जस्ट मैं पहले पहुँच जाता हूँ तो फिर मैं बाकी लोगों को गाली दे सकता हूँ. पापा चल, ताता ताता आपसे कल मिलेंगे. गाइस तो ऑलमोस्ट मैं अभी पहुंच रहा हूँ गुरुगंटा पलिया. ए भाई 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 मेरा गाड़ी बहुत बड़ा है भाई. तो हाँ ऑलमोस्ट मैं पहुंच रहा हूँ गुरुगंटा पलिया में. बहुत सारे लोग तो पहुंच चुके हैं, शायद कुछ लोग शायद गलती से पिनिया पे उतर गए. मैंने पीछे तीतान का जो सीट है वो भी हटा दिया, तो अभी पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 5 और एक संगू भाई के गाड़ी में 5 लोग, तो टोटल 10 लोग प्लान है. अभी देखते हैं कितने लोग आते हैं. तो या बेंगलोर का मौसम भी देखो, अभी थोड़ा बहुत क्लाउडी हो रहा है, तो शायद एक्सपेक्ट है बारिश वारिश हो जाए. ये रहा गुरुगंटा पलिया मेट्रो स्टेशन. तो यहाँ पे अपने को रुकना नहीं है क्योंकि कोई यहाँ पे नहीं उतरा, सब पीनिया तक पहुँच चुके हैं. देखते हैं थोड़ा सामने हमने जाके सबको उठाते हैं इधर से, और उसके बाद अभी हमारा जो बॉस है उन्होंने लोकेशन भेजा है 174 किलोमीटर अपने को जाना है. तो हाँ देखते हैं अभी वहाँ तक चलते हैं. भाई स्टार्ट किए, उसके बाद इतना ट्रैफिक, ये देखो पूरा रेड 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 टिल नीलमंगला तक ऐसे ही है हाल. भाई टोल में हम लोग पैसा देते हैं कि ताकि हमारा टाइम बचे, पेट्रोल कम खर्चा हो, तो हालत टाइट. तो एक्चुअली हम लोगों का प्लान हुआ है, अभी पहले हम लोग जा रहे हैं मंदिरागिरी हिल, बाकी एक बार वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ से प्लान करेंगे कि उसके बाद कहाँ प्लान कर सकते, कहाँ जा सकते. एक दो जगह घूम के ऑन द रोड उसके बाद हम लोग जाएंगे उसके घर. तो यहाँ पे 4 लोग बैठ चुके हैं, नागराज, अशोक भाई, यहाँ पे अंजप्पा, और दूसरे गाड़ी में और 4 लोग हैं. बीच में श्रीनिवास भी आने वाला था, उसने मना कर दिया, बच्चा बीमार हो गया. हाँ उसका बच्चा बीमार हो गया. हाँ देखते हैं अभी कब तक लगता है यहाँ पे. तो दिखा रहा है मंदरागिरी जाने के लिए अपने को 41 किलोमीटर जाने के लिए 53 मिनट चाहिए रहेगा. ये पूरा लाल है,
नीलमंगला तक, इसको देखते हैं कैसा कैसा चलता है ना। ओहो, तो ये था मेन कारण, बीएमटीसी बस का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। टोटल डैमेज, इसीलिए इतना लंबा ट्रैफिक था, बाप रे बाप। हाँ तो फाइनली अपने को खुला रास्ता मिला है, अभी शायद टाइम नहीं लगेगा। लंच भी हो चुका है, ये रहा यहाँ पे लंच कर लिए, ये रहा अपना पूरा टीम, 1 2 3 4 5 और उस साइड में और 2 है। अभी डायरेक्ट विनोद के घर, भाई बहुत खा लिया। मंदारा गिरी भी गए थे लेकिन वहाँ पे वीडियो वीडियो कुछ नहीं किया, कि ऑलरेडी 2 बार वीडियो कर चुका हूँ तो क्या करना है, वीडियो छोड़ो, ऐसे ही मजे मजे किया। तो हाँ अभी चलते हैं अपन लोग, यहाँ से और ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर बाकी है तो देख लेते हैं। तो हम लोग एक्चुअली शेट्टीहल्ली हनुमान टेम्पल, क्या बोले, शेट्टीहल्ली हनुमान आंजनेय स्वामी टेम्पल में आए थे, सोचे अंदर जाएंगे, लेकिन भाई ये तो कुछ हाल है, इतना बारिश हो रहा है, बस गाड़ी में स्टक है, दूसरे गाड़ी में भी 4 लोग अभी वहीं पे शायद अटके, वो लोग भी नहीं जा पाए तो वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बारिश वारिश कम हो उसके बाद जाए यहाँ से टेम्पल विजिट करना है, उसके बाद जाना है और 120 किलोमीटर। और अभी डिले, लास्ट 4 लोगों को लोग दिखा नहीं पा रहे हम लोग, क्या हम लोग बोल रहे हैं कि है, हाँ वो है वो है, बिलीव कर लो वो है, एक बार पहुंच के दिखा देंगे कि वो थे। ऑलरेडी 4:30 हो रहा है तो वही चक्कर में देखते हैं कब तक बारिश खत्म हुए, उसके बाद चलेंगे हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद चलेंगे और 120 किलोमीटर, 2-2.5 घंटे तो लगेगा। हाँ देखते क्या क्या प्लान बनता है ना। भाग के आए थे दर्शन करने के लिए, हो गया दर्शन। सीरियसली बहुत ही पुराना टेम्पल है, ये रहा, अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है, तो भाग के चलते हैं। ये देखो भाई बारिश का तो ये हाल है। हो दर्शन भी करके आ गए भीग भीग के। हाँ इट वॉज गुड, जय बजरंग बली की। तो अभी इधर से निकलते हैं, श्रीनिवास भी पहुंच चुका है, अभी उसको लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट विनोद के घर। 8 से 9 संतु निकल गया, संतु आज नहीं आ रहा है, फिर से हम लोग 8। हाँ फिर से हम लोग 8 बजे। हाँ चलते, उस गाड़ी का अभी भी दिखाना नहीं हुआ,
क्योंकि हम लोग जब तक अंदर गए थे वो लोग दर्शन करके बाहर आ चुके थे। तो चलिए इधर चलते, गाड़ी यहीं पे है, ये रहा गाड़ी, ये गाड़ी पे ही है, बाकी चार लोग तीन लोग अभी है, सीनो है। चलिए तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे पहुँचे ना, ये फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे है टेम्पल ऊपर जो अभी बंद हो चुका है। तो विनोद अभी मिला था, वो भी अभी पूरा बिजी है वहाँ पर, देख सकते हो। तो उसने जैसे बोला है कि यहाँ पे कर्नाटका में बस यही एक टेम्पल है विष्णु जी का कुर्मा अवतार में। तो हाँ, कल सुबह 10 बजे हम लोग जाएंगे। तो अभी यहाँ पे फंक्शन चल रहा है, आप देख सकते हो पूरा रोड में। तो जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो आके देख रहे कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोसेशन निकल चुका था और विनोद भी वहीं पे कहीं पे बिजी है, यहाँ पे पूरा उसके विलेजर्स सभी है। तो मैं ज़्यादा कॉमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि एग्जैक्टली विनोद से ठीक से बात नहीं हो पाया। तो जब विनोद से बात होगा तो आराम से पता करेंगे कि क्या रिचुअल्स है। तो अभी हमारा विश्रामालय, लेकिन ये कुछ शादी वादी का है, मुझे एकदम एग्जैक्ट कनाडा नहीं पता है, सॉरी फॉर दैट। ये रहा अपना, ये रहा पूरा टीम। हाँ, ये चार लोग थे जो मिस हो गए थे, ये सीनू खंडा सर, ये लोग मिस हो गए थे, इनको अभी दिखा दिया। यहाँ पे गद्दा उद्दा आ जाएगा, ये रहा अपना रूम, यहाँ पे है वॉशरूम। और देखो भाई, यहाँ पे एक वॉशरूम बाथरूम, और ये रहा खुला वाला जगह। देखो एकदम आराम से मैं दिखा देता हूँ, ये रहा एक ओपन स्पेस, यहाँ पे कुछ पूजा वूजा का जगह है। तो विनोद ने हम लोगों का रहने का जगह यहाँ पर कर दिया है। तो अभी विनोद बोल रहा था कि यहीं पे वो बेडिंग वेडिंग लेके आ जाएगा। यहाँ पे बेड वेड बिछा देगा, वो मस्त एरिया बना हुआ है, यहाँ पे तो आप क्रिकेट भी खेल सकते हो। और एक चीज, मैं थोड़ा बाहर चलता हूँ, थोड़ा इको चल रहा है इधर। हाँ, और एक चीज, विनोद बोला था कि रात को 12 बजे गोट कट होगा। तो अगर उस टाइम तक हम लोग जग गए तो हम लोग जाएंगे वो बलि देखने के लिए, देखते हैं कैसा कैसा है, कौन कौन जाएगा वो देख लेंगे। और सुबह 10 बजे वो टेम्पल ओपन होगा, वो एक देख लेंगे। तो अभी फ्रेशन अप हो जाते हैं और उसके बाद अपन लोग, जिन लोगों को पार्टी करना है वो पार्टी करेंगे, और उसके बाद खाना वाना खा के देखेंगे। अगर 12 बजे तक जगे रहे तो हम लोग जाएंगे वो गोट कटिंग देखने के लिए, जैसा रहता है। लेकिन सीरियसली भाई, मुझे व्यू मतलब वाइब तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, देखते हैं अभी कैसा कैसा क्या रहता है। Much later. हे अभी
टाइम हो रहा है 12:15। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बलि देखने के लिए। तेरी बारिश भी बहुत हो रहा है भाई। उस साइड में बलि का प्रिपरेशन चल रहा है। अभी इतना तेज बारिश है, देखते हैं अभी अगर बारह पंद्रह हो चुका है। अभी हम लोग मैच वैच कंप्लीट देख रहे थे, आरसीबी वर्सेस सीएसके, बैंगलोर जीत गया, चलो अच्छा हुआ। अभी देखते हैं कुछ आधा पंद्रह मिनट आधा घंटा हम लोग देखेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग जहाँ पे रुके उससे ऑलमोस्ट 300 मीटर ही है, तो वहाँ पे चल रहा है बलि का प्रिपरेशन। एक्चुअली मैं त्रिपुरा से हो रहा, तो वहाँ पे जैसे त्रिपुरेश्वरी मंदिर है या फिर कौशबा कालीबाड़ी है, वहाँ पे हर दिन एक तो गवर्नमेंट से रहता ही है बलि का, बकरे का, और नॉर्मली पर डे 10-15 तो बलि देखते थे। ऑलमोस्ट हो गया मुझे भी 10-12 साल बलि देखे हुए, तो 10-12 साल के बाद आज फर्स्ट टाइम बलि देखे भी आए। लेकिन बारिश हो रहा है तो सामने नहीं जा पा रहा हूँ, देखता हूँ इधर से जितना हो सके। करंट भी नहीं है। हो भाई तो बलि हो गया, ऑब्वियस सीजन मैं बलि तो उस पर दिखा नहीं पाऊंगा। बाकी अभी बारिश भी हो रहा है, टाइम हो रहा है 1:15, तो अभी अपने घर वापस जाते हैं, वहाँ पे जाके सो जाते हैं। कल सुबह 10 बजे अपने का हम लोग का प्लान है वो टेंपल पे जाने का। तो उम्मीद है आप सबको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, और प्लीज़ बेल आइकन दबा के रखना, क्योंकि कल वाला ब्लॉग और भी मस्त आने वाला है। बहुत ही पुराना टेंपल है, तो देखते हैं, आपसे मिलते हैं अभी कल दूसरे ब्लॉग पे, कल मतलब आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीक पे दूसरे ब्लॉग पे। चलिए बाय।